दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने किसी से एग्रीमेंट करा लिया है और आपने उसे पैसा भी दे दिया है, इसके बावजूद भी जब रजिस्ट्री करने का समय आता है तो फिर यहाँ पर वह मुकर जाता है। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या एग्रीमेंट करने के बाद, पैसा देने के बाद भी कोई रजिस्ट्री करने से मुकर जाए तो क्या आप एक तरफा रजिस्ट्री करा सकते हैं? दोस्तों आपको ऐसे कई केसेस मिलते हैं कि आपने एग्रीमेंट करा लिया, आपने पूरी कानूनी तरीके से एग्रीमेंट कराया और पैसे का भी भुगतान कर दिया, लेकिन जिस पार्टी को रजिस्ट्री करना है, रजिस्ट्री करने के समय उसके नियत में खोट आ जाती है और वह रजिस्ट्री करने से मना कर देता है। हो सकता है जब एग्रीमेंट हुआ हो उस समय ज़मीन का कीमत कम हो और जब रजिस्ट्री करने का समय आता है उस समय ज़मीन का कीमत बढ़ जाता है, इस कारण से भी वह रजिस्ट्री करने से मना कर देता है, या फिर कोई और भी कारण हो सकता है। लेकिन दोस्तों आपने तो यहाँ पर एग्रीमेंट किया है, तो वह पार्टी जिसे रजिस्ट्री करना था वह रजिस्ट्री करने से मुकर नहीं सकता है, उसे रजिस्ट्री करना ही होगा, उसे एग्रीमेंट के शर्तों को मानना ही होगा। लेकिन यहाँ पर यह जरूरी है कि आपने एग्रीमेंट पूरे कानूनी तरीके से किया हो। आपके राज्य में जितने रुपए के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट बनाने का नियम है, आप उतने रुपए के स्टाम्प पेपर पर ही एग्रीमेंट बनाएं। अगर आप यहाँ पर एग्रीमेंट को नोटराइज भी कराते हैं तो उसका भी वैल्यू है, या फिर रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्टर करा लेते हैं तो वह सबसे बेस्ट है, लेकिन नोटराइज का भी यहाँ पर वैल्यू है। तो अगर कोई पार्टी मुकर जाए तो फिर आप एक तरफा रजिस्ट्री करा सकते हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जरूरी है कि आपने एग्रीमेंट पूरे कानूनी तरीके से किया हो। इसलिए आप एग्रीमेंट बनाने में किसी वकील की मदद लें ताकि वे अच्छे से सारे नियम शर्तों को अच्छे से एक्सप्लेन करेगा और पूरे कानूनी तरीके से आपके एग्रीमेंट को आपके बिहाफ में तैयार करेगा। दोस्तों अगर आप भी किसी से एग्रीमेंट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि कल को कोई भी विवाद ना हो, पूरे कानूनी तरीके से एग्रीमेंट हो, तो हम जो हैं आपका एग्रीमेंट बनाने में आपकी मदद करेंगे। आपको जो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आप एग्रीमेंट बनाने के लिए व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या फिर आप हमसे फ़ोन से बात करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। लेकिन यह मेरी पेड सर्विस है, आपको इसके लिए नॉमिनल सी फी मुझे पे करनी होगी। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर आपने किसी पार्टी से एग्रीमेंट कर लिया है और वह रजिस्ट्री करने से मना करे तो आप यहाँ पर पहला कदम क्या उठाएंगे? दोस्तों जो भी डेट, जो भी तारीख है रजिस्ट्री करने की, अगर वह उस डेट पर मुकर जाए तो आप पहले किसी वकील से मिले और उसे लीगल नोटिस सर्व करें। लीगल नोटिस में एक डेट मेंशन किया हुआ रहेगा कि आप इस डेट में रजिस्ट्री कर लें, नहीं तो आपने एग्रीमेंट किया है, फिर मैं आपके खिलाफ कोर्ट जा सकता हूँ। दोस्तों कई लोग समझदार होते हैं, वे लीगल नोटिस देखने के बाद रजिस्ट्री करने में ही भलाई समझते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने कानूनी तरीके से एग्रीमेंट किया है और वे बुरे तरीके से फंस सकते हैं अगर वे रजिस्ट्री करने से मना करते हैं। लेकिन आपके लीगल नोटिस सर्व करने के बावजूद भी वह पार्टी रजिस्ट्री करने से मना कर देता है तो आप यहाँ पर बिना देरी किए हुए कोर्ट जाएं, आप सिविल कोर्ट में केस फाइल करें। आप एग्रीमेंट के पेपर को कोर्ट में पेश करेंगे, कोर्ट सारे पेपर को, फैक्ट को देखेगा और उसके बाद उस पार्टी को नोटिस जारी करेगा और फिर उस पार्टी को कोर्ट में आना होगा। फिर अगर वह पार्टी कोर्ट में अपनी बात को नहीं रखेगा तो फिर यहाँ पर कोर्ट एक तरफा फैसला भी दे सकता है। अगर वह पार्टी कोर्ट में अपने बात को नहीं रख पाता है तो फिर कोर्ट यहाँ पर एक तरफा फैसला भी दे सकता है, फिर उसे न चाहते हुए भी रजिस्ट्री करना होगा। लेकिन अगर उससे कोई ऑब्जेक्शन है, कोई खास कारण से वह रजिस्ट्री नहीं कर रहा है, तो वह भी अपना पक्ष रखेगा, अपना एविडेंस रखेगा, अपना फैक्ट रखेगा। फिर यहाँ पर दोनों पक्षों को सुना जाएगा, कोर्ट में कई तारीखों पर आपको जाना पड़ सकता है। दोस्तों आपका पक्ष स्ट्रांग रहे इसके लिए जरूरी है कि आप पूरे लीगल तरीके से एग्रीमेंट कराएं और आप एग्रीमेंट बनाने में किसी वकील की ही मदद लें। आप एग्रीमेंट में क्या क्या शर्त नियम रखना चाहते हैं आप अपने वकील को बताएं। फिर अगर वह पार्टी आपके कोर्ट में जाने के बाद ऑब्जेक्शन नहीं लगाता है तो आपके पक्ष में फैसला आने का चांस रहता है कि कोर्ट रजिस्ट्री करने का आदेश दे देगा। लेकिन अगर वह पार्टी ऑब्जेक्शन लगाएगा तो फिर केस चलता रहेगा, फिर जिस पार्टी का पक्ष स्ट्रांग होगा उसी के हित में फैसला आएगा। दोस्तों अगर आपके हित में फैसला नहीं आता है तो फिर आप यहाँ पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तो स्वतंत्र हैं ही। कई केसेस में मैंने देखा है कि सिविल कोर्ट में फैसला आपके हित में नहीं आता है, लेकिन जब जो पार्टी है हाई कोर्ट पहुँचता है तो फिर पूरा मामला ही पलट जाता है और फिर फैसला उसके हित में आ जाता है।
दोस्तों आप केस जीते हैं इसके लिए यही जरूरी है कि एग्रीमेंट पूरे कानूनी तरीके से हो। मैंने शुरू में भी कई बार बोला और अंतिम में भी बोल रहा हूँ, एग्रीमेंट का पेपर ही यह डिसाइड करेगा कि आप केस जीतेंगे या फिर हारेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके काम की है और लोगों के काम भी आ सकती है तो फिर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में भी शेयर करें।